अच्छा दोस्तों जैसा कि हम अडोब इलस्ट्रेटर के मेन इंटरफेस को देख चुके हैं इसके अलावा हम न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स भी लेना जान चुके हैं और हमने ये भी सीख लिया है कि हम अडोब इलस्ट्रेटर में काम करते हुए नेविगेट किस तरह से करते हैं अब मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ वो है जी आर्ट बोर्ड जी हाँ आर्ट बोर्ड से मुराद है हमारा वो कैनवस जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं या इलस्ट्रेट करते हैं या ड्रा करते हैं दोस्तों जैसा कि ड्राइंग करते हुए हमें कोई भी कैनवस या हमें कोई भी पेपर शीट की ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल इसी तरह से अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास आर्ट बोर्ड मौजूद होता है तो चलें आए मैं आपको ले चलता हूँ इलस्ट्रेटर की तरफ और देखते हैं जी आर्ट बोर्ड को जी तो दोस्तों चलें देखते हैं जी आर्ट बोर्ड को क्रिएट न्यू करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जी काम ले जी दोस्तों ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने ये जो एक वाइट कलर का बॉक्स है बेसिकली दिस इज कॉल्ड आर्ट बोर्ड और यही वो आपका आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर आप इलस्ट्रेट करेंगे ड्रॉ करेंगे पेंट करेंगे या किसी भी किस्म का आर्ट वर्क जो है वो प्रोड्यूस करेंगे अच्छा मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहूँगा न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग वाली विंडो की तरफ कंट्रोल एन जो है वो दोस्तों शॉर्ट की है न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन करने के लिए अच्छा आपको याद होगा जब मैंने आपको न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग लेना बताया था उससे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में आर्ट बोर्ड के हवाले से बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस विंडो के अंदर अगर हम गौर करें यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स की दोस्तों इलस्ट्रेटर को एक ये फाकियत हासिल है बाकी जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे जो इलस्ट्रेशन और वेक्टर के हवाले से जो सॉफ्टवेयर यूज़ हम करते हैं ग्राफिक्स के अंदर उनमें इलस्ट्रेटर को ये एक बड़ी ख़ास हैसियत हासिल है कि इलस्ट्रेटर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स यानी कि मल्टीपल कैनवास एक ही टाइम में एट अ टाइम अपने सामने ओपन कर सकते हैं देखते हैं जी यहाँ पे ये यह देखें आपके पास आर्ट बोर्ड के नंबर की ऑप्शन है अगर आप इसको चाहें आपको ये एरो का ही ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते जाएं तो आपकी जो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड है ये बढ़ता चला जाएगा ये देखें मैं इस वक्त ट्वेंटी आर्ट बोर्ड्स तक जा चुका हूँ अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर ट्वेंटी आर्ट बोर्ड्स ऑल टुगेदर एट अ सेम टाइम इस वक्त ओपन हो चुके हैं अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मल्टीपल आर्ट बोर्डस हैं इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी बुक के ऊपर या किसी ब्रोशर के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस हैं वैसे तो ये काम अब आजकल हम जो मल्टीपल पेजेस की जो लेआउट्स हैं वो इन डिज़ाइन के अंदर भी डिज़ाइन करते हैं लेकिन एलस्ट्रेटर भी आपको ये आसानी देता है कि अगर आपको कोई फॉर एक्ज़ाम्पल ट्वेंटी पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है तो ये आपके सामने ट्वेंटी आर्ट बोर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं आप पेज नंबर वन से लेके पेज नंबर ट्वेंटी तक तमाम पेजेस को एट अ टाइम अपने सामने एक ही शीट पे रख के एक ही स्क्रीन पे रख के आप एट अ टाइम डिज़ाइन कर सकते हैं मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा आपके लिए ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको अगेन समझा सकूँ अच्छा यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास हंड्रेड आर्ट बोर्ड्स की ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जी हंड्रेड और मैं क्रिएट की ऑप्शन क्लिक करता हूँ दोस्तों ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ इस वक्त आपके सामने ओपन हो गई है हंड्रेड आर्ट बोर्ड्स यानी कि हंड्रेड कैनवाज एट अ टाइम आपके सामने ओपन है मल्टीपल आर्ट बोर्ड से आप एक और बड़े मज़े का काम ले सकते हैं भला क्या मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी ऐसा डिज़ाइन या कोई एक ऐसी इलस्ट्रेशन या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जिसके अंदर आपको डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिस तरह से पिक्चर्स और वेक्टर्स ग्राफिक्स ब्रशेस वगैरह वगैरह तो आप वो डिफ़रेंट चीज़ें डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स पर अपने सामने रख सकते हैं और अपना कोई भी एक मेन जो आर्ट बोर्ड आपका हो उसके ऊपर आप उनको जो है वो ला के गैदर कर सकते हैं तो ये मैंने आपको हंड्रेड आर्ट बोर्ड अ टाइम इलस्ट्रेटर में आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन करके दिखा दिए हैं अच्छा जी इसको मैं बंद करता हूँ दोबारा दोस्तों ये इलस्ट्रेटर के अंदर ये आपके पास एक क्रॉस का बटन है जिसकी मदद मतलब से आप बड़े ही आराम से अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं इसके अलावा इसकी शॉर्ट की भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कंट्रोल डब्ल्यू अच्छा जी अब ये तो हो गई आर्ट बोर्ड के हवाले से हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग वाली विंडो है उसके अंदर जो ऑप्शन हैं वो अब मैं आपको एक और बहुत ही मज़े की चीज़ बताने लगाऊँ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड वन करता हूँ और ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स मौजूद हैं इसको मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे और ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड जो है वो ओपन हो गया अच्छा दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें करवाई हैं वो नेविगेशन वग़ैरह और जो टूल्स है वो हमारे जनरिक टूल्स है अब हम कुछ काम करने लगे हैं जनाब अपने टूल बार के हवाले से दोस्तों ये है आपकी टूल बार जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ हमारे पास इस टूल बार के ऊपर यहाँ पे ये एक बटन है इसके ऊपर अगर आप आके देखें तो आपको इस टूल के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आर्ट बोर्ड टूल दोस्तों ये जो आर्ट बोर्ड टूल है ये बहुत ही मज़े की चीज़ है और ये आपको आज़ादी देता है कि आप बड़े फ्री हैंड तरीके से आर्ट बोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं जिस तरह से ये देखें अगर मैं इस आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर आके ये कॉर्नर के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है जी इसको आर्ट बोर्ड को छोटा करने की ये देखे मैंने आर्ट बोर्ड छोटा कर दिया इसी तरह से मैं इस आर्ट बोर्ड को बड़ा भी कर सकता हूँ अच्छा अगर आपने गौर किया हो तो मैंने जब इस आर्ट बोर्ड को छोटा करके वापस इसको मैक्सिमाइज़ किया है इसका साइज एंड लार्ज किया है तो ये इसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो गई है अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ अगर आप ये जो टूल है शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने इस वक्त अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को प्रेस कर रखा है तो ये जो आपका आर्ट बोर्ड छोटा या बड़ा होगा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होगा इसका जो भी साइज आपने ले रखा है वो साइज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा प्रोपोर्शन इसका सेम रहेगा इसी तरह से अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट को क्लिक करें तो एक और मजे की चीज़ होगी कि इस आर्ट बोर्ड का सेंटर जो है ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये लॉक हो जाएगा ये देखें दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मेरे कर्सर के साथ देख सकते हैं ये आर्ट बोर्ड का सेंट्रल पॉइंट है ये लॉक हो जाएगा और आर्ट बोर्ड इसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो एनलार्ज़ लार्ज या स्मॉल होगा अच्छा इसी तरह से हम अगर ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करके इसको राइट साइड पर ड्रैग करें या लेफ्ट साइड पर ड्रैग करें तो ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि आर्ट बोर्ड जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है तो इस तरह से हम किसी भी आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ये देखें मैंने एक आर्ट बोर्ड से आर्ट बोर्ड टूल की मदद से छः आर्ट बोर्ड जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं अच्छा इसी तरह से हम इनको वापस डिलीट भी कर सकते हैं जिस तरह से अगर मैं इस पर आके क्लिक करूं और डिलीट का बटन प्रेस करूं सेलेक्ट डिलीट सेलेक्ट डिलीट तो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता जा रहा हूं हमारे जो आर्ट बोर्ड हैं वो डिलीट होते जा रहे हैं तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा आर्ट बोर्ड की जो ऑप्शंस हमारे पास पासर में मौजूद हैं और आर्ट बोर्ड के टूल के हवाले से भी आपने जाना उम्मीद करता हूं कि आपको आर्ट बोर्ड को हैंडल करना आ जाएगा अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप न्यू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हुए नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स अपनी मर्जी से फ्रॉम वन टू हंड्रेड चूज कर सकते हैं इसके अलावा आप आर्ट बोर्ड बना लेने के बाद डॉक्यूमेंट में रहते हुए टूल बार में आर्ट बोर्ड टूल की मदद से किसी भी वक्त नंबर ऑफ आर्ट बढ़ा सकते हैं आर्ट बोर्ड्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि अब आर्ट बोर्ड की आपको समझ आ गई होगी